तो मैं अभी हूँ घर में अकेला और मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। खैर तो मैं बोर हो रहा था, सोचा क्या करूँ यार एंटरटेनमेंट के लिए। तो मैंने सोचा चलो इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो वगैरह बना लेते, कोई मस्त जो मुझे फ़नी लगे, दूसरों का तो पता नहीं। तो खैर कोई आइडिया नहीं आ रहा था, तो सोचा यार मेरी एक यूट्यूब चैनल हुआ करती थी एक टाइम पहले, तो एक डेढ़ साल पहले एक यूट्यूब चैनल हुआ करती थी, उस पर चलो एक व्लॉग ही बना लेते, कोई आम व्लॉग बना लेते। तो अभी हम हाज़र एक व्लॉग के साथ। मुझे पता है मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये दुनिया का असूल है ना कि आप एक बंदे को 3-4 बार देखो तो फिर वो भी नॉर्मल लगने लगता है, चाहे जितना भी बदसूरत हो, चाहे वो लानते हो टपक रही हो उसके मुंह से, आपको भी मैं नॉर्मल लगने लगूंगा अगर आपने पहली बार मेरी शक्ल देखी। तो बात यह है कि मैं आज घर पे कोई नहीं है क्योंकि सब गए हुए बाहर तो पिकनिक में, तो मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, वो भी बोर हो रहे थे तो चले गए। और लेकिन मुझे काम था, मुझे पहली बात तो ये, मैंने अपने दोस्त से एक ग्राफिक कार्ड लाया था, या अपना ग्राफिक कार्ड लाया था उसके साथ उससे, लेकिन बात यह कि ये डिस्प्ले नहीं दे रही। मैं इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, इसका ड्राइवर जैसे इंस्टॉल करता हूँ ये बिल्कुल स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, डिस्प्ले नहीं दे रही। तो इसी पे मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। और सुबह से मैं आजकल मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग इस तरह के एक प्रोजेक्ट मिली है मुझे, एक प्रोजेक्ट मुझे नया नया मिला है तकरीबन 30,000 रुपये का, और उसमें मैं एक बंदे की वीडियो, एक इंडियन लड़की है उसकी वीडियोस मुझे एडिट करनी है। तो टाइम तो बहुत लग रहा है, मैं फालतू में ये प्रोजेक्ट ले लिया, मज़े की नहीं है। तो अभी आजकल उसी पे लगा हुआ, सुबह से मैं उसी पे लगा हुआ था, तो घर वालों के साथ भी मैंने गया इसीलिए। लेकिन अभी कंप्यूटर में वो ग्राफिक कार्ड नहीं लग रहा, और अब मुझे 3-4 बार मैंने उसकी विंडोज़ मैंने नहीं इंस्टॉल किए। तो खैर, तो अभी हम लोग नहीं, मैं सोच रहा था कि चलो घर दिखाते, लेकिन घर कितनी गंदी हालत है ना, लानत भेजोगे मुझ पर, ये बस। तो और इतनी भूख लगी है मुझे, और घर से और सही से सही कोई खाना भी नहीं बना, बस सुबह से मैं ये दही लेके मैं पी रहा हूँ ग्लास में लेके। तो खैर, तो मेरे व्लॉग्स की एक ऐसी बात होगी जो शायद दूसरे व्लॉग्स में ना होगी, वो ये कि मैं कोई ऐसे सिनेमेटिक शॉर्ट्स नहीं दिखाने वाला, कोई ऐसे ड्रोन शॉर्ट्स नहीं दिखाने। अब घर में कमरे में बैठे कौन सा सिनेमेटिक शॉर्ट हो सकता है। खैर, तो जो मुँह में आया वो बोल दे, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ भी नहीं, नेचुरल जो है वो है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो खैर चलो थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। ये मेरी डायरी थी, मैं डेट नहीं पता मुझे, एक मैं देखता हूँ, हाँ 30 जनवरी 2015 को मैंने ये डायरी ली थी। मैं सोचा चलो डेली कुछ इस पे लिखते, थोड़ी सी यादें बन जाती है, कुछ साल बाद कुछ मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तब तो मैं याद करूँगा कि भाई हाँ एक ऐसा दिन था, मैं डायरी लिखा करता था यार, क्या दिन थे वो, मैं छोटा था, टीवी देखता था, स्कूल जाता था, एक 4-5 दिन लिख दे बस ख़त्म हो गया भाई। दिस डायरी बिलोंग्स टू मोहम्मद काजिम, वाह। और मेरी इंग्लिश देखना, इस चीज़ में मेरी इंग्लिश देखना, ठीक है। When I waked up, I washed my face. Mom said, bring bread. I went for bringing breads. I said my mom that please give me money for a diary. She gave me money and I bought a diary. She gave me more 100 rupees to bring eggs. I worked with my big sister for 5 minutes. I did my homework for 1 hour. I went English language center from 2:30 to 3:30. When we came from center, we went to park to play cricket. हाँ, आज उस उन गोल्डन दिन होते थे जब हम लोग हरदम क्रिकेट देखने जाते थे, खेलने जाते थे दोस्तों के साथ। फिर एक टाइम आ गया जब भाई बस उन्होंने रोक दिया, घर वालों ने कहा भाई बस आज के बाद क्रिकेट हो, बाहर जाना बंद है। When we came home, we washed our face and watched TV. After watching TV, we prayed. Then we watched TV again. We had a dinner and we watched TV again. सारी ज़िंदगी टीवी देखने में गुजर गई। खैर, ये काफ़ी क्या बोले यार, बस 2015, 5 साल यार, 5 साल कैसे गुजरे मुझे पता भी नहीं। वैसे पता तो चलता है, लोग ऐसे ही डायलॉग के बोलते पता नहीं चलता, झूठ है ये सब, सबको पता चल जाए कि 5 साल कैसे गुजरे, 10 साल कैसे गुजरे। खैर, मैंने कुछ दिनों पहले एक इधर कोई शायरी वगैरह भी लिखी हुई थी। एक टाइम पे तो मैंने ऐसे किया कि भाई मैंने डायरी तो लिखी, लेकिन साथ ही साथ मेरे पास एक प्रिंटर हुआ करता था, वो प्रिंटर देख रहा हूँ, वो प्रिंटर हुआ करता था। तो भाई मैंने सोचा चलो तस्वीरें हर दिन भी डालते,
ये क्या कि अपने दोस्त से मैंने हेडफोन लाया, हेडफोन लाए और हेडफोन की तस्वीर प्रिंट करके लगाया इधर, और हेडफोन की बातें मैंने इधर लिखी हुई। तो अभी कल ही मैंने सोचा शेर लिखते हैं, कोई मस्त शेर लिखते हैं, मज़ा आ जाए बिल्कुल, लोग उसको स्टोरी में पोस्ट करूँगा, लोग पागल हो जाएंगे, वायरल हो जाएगी मेरी शेर। तो मैंने क्या लिखा भाई, इश्क जो तूने की इतनी शिद्दत से कभी ये मैंने उधर स्टोरी पे नहीं डाला, ठीक है, मैंने डाला कभी किसी ने ना की होगी अपनी महबूब से, जब तहकीक शुरू की हमने इसकी तो पता चला ये मोहब्बत ही किसी और के लिए। ओए होए 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 होए। अभी थोड़ा सा चेक करते हैं कि भाई अलमारी में क्या पड़ा है। वैसे आज तो टाइम पास कर रहा हूँ ना, मैं तो अपने लिए टाइम पास कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन आपका पता नहीं हो रहा या नहीं हो रहा, लेकिन मेरा हो रहा है, बस इतना ही कहा। तो खैर अभी एक ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है, CDI पड़ी हुई है, और ये मैंने अपने दोस्त से लाया था। मैंने सोचा चलो इसके साथ PUBG वगैरह अगर खेला जाए, अगर GTA 5 खेला जाए, तो फिर खैर ये एक इससे काम ही नहीं कर, हट जाए। यही एक मौका है बूथ का मुझ पर हमले करने का। के असल में हम लोगों ने देखा ये ना कि इंडियन हॉरर फिल्मों में जैसे ही लड़की जो जब जब लड़के अकेले ही होते हैं ना, तभी भूत हमला करते हैं जब बंदा अकेला हो घर में, मतलब जब दो लोग तीन लोग को तब नहीं करते, क्यों नहीं करते, वो लॉजिक पता नहीं है आजकल, मुझे समझ नहीं आई है। तो बस यही थी आज की व्लॉग, तो बाकी लोग भी आए हुए तो इसीलिए मैं बोर तो नहीं होऊंगा शायद, तो इसीलिए यहाँ पे मैं आज की व्लॉग ख़त्म करता हूँ। आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, ऐसे नहीं कि मैं भाई हर दिन वीडियोस डालता रहूँगा या हर एक महीने बाद डालूँ, जब मेरा मर्जी करे, जब भी मैं बोर हो जाऊँ, जब मौका मिले मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बस अल्लाह हाफिज़। मैं तेल लगा के पीछे से तेरी पूछ में आग लगा दूंगा, मैं मुट्ठी में बिस्किट भर के तेरी बुआ को मैं खिला दूंगा, तेरी चू तेरी चू तेरी चू तेरी चू।